हेलो नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं कि बीकानेर जो ज़िला है उसमें पिछले काफ़ी दिनों से जो है कोरोना के ऊपर मैं कहूँ कि पूरी तरह से एक बार विराम लग गया है। और आज फिर 7 जो लोग हैं उनको क्वारंटाइन से उनको छुट्टी दे दी गई है। और बीकानेर के जो ज़िला कलेक्टर है कुमारपाल गौतम, वो जब से कोरोना का ये सिलसिला चल रहा है तब से वो हर दिन कुछ ना कुछ नया इनोवेशन कर रहे हैं और लोगों को मोटिवेशन और लोगों के बीच जाके डायरेक्ट लोगों से मिल रहे हैं। और आज उन्होंने एक नई पहल उन्होंने मैं कहूँ कि करी है कि जिन लोगों को क्वारंटाइन से छुट्टी दी गई है उन लोगों से जाके वो मिले और उन लोगों को उन्होंने शुभकामनाएं दी ठीक होने की और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामनाएं करी और उनसे बातचीत करी। और क्योंकि वो लोग 14 दिन के बाद आज अपने घरों को लौट रहे थे आइसोलेशन, और क्योंकि जिला कलेक्टर ने कहीं कहीं शुभकामनाओं के साथ में उनको ये भी कहा है भी अब आने वाले आप 14 दिनों तक अपने घरों में आइसोलेशन में रहेंगे। तो जिला कलेक्टर ने उनको ये भी कहा भी अब आपको जो ये कोरोना है इसमें अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से आपने इसके ऊपर काबू पाया है, तो इसलिए आप लोगों को भी मोटिवेट करें। और उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने आने वाला जो कुछ समय जो पूरा है वो आइसोलेशन में ही बिताएं और जो अन्य जो लोग हैं उनको कोरोना जो वायरस है उसके प्रति लोगों को अवेयर करेंगे। उन्होंने मतलब जो जिला कलेक्टर हैं वो उन्होंने ये कहा भी आप कम से कम भी 1 महीने तक अपने जो लोगों से दूर रहे हैं परिवार के लोगों से, और इस दौरान जो उन लोगों ने जो डॉक्टर्स का जो सबका ख्याल रखा या यूं कहें कि जिन डॉक्टर्स ने उनका इतने दिन तक उपचार किया है उनका ध्यान रखा है पूरे स्टाफ ने उन लोगों ने उनका भी आभार व्यक्त किया है। तो इसके साथ ही मैं आपको दिखाऊंगा कि जिला कलेक्टर ने किस तरह से लोगों से बातचीत करी और वो अपना उन्होंने एक शुभकामना संदेश भी इस दौरान क्वारंटाइन से जिन लोगों को छुट्टी मिली है उनको दिया है। तो आइए मैं आपको एक वीडियो में झलक दिखाता हूँ कि किस तरह से जिला कलेक्टर जो है आम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं दे रहे हैं। आप कमरे में अलग भी बना के रखी और अभी आपको कितने दिन 14 दिन 14 दिन और आपको घर में मतलब भी अकेले रहना है और कोई भी तकलीफ होगी तो डॉक्टर को फोन करना है ठीक है। तो मास्क वगैरह लगा के रखना है अकेले रहना है तो करना है आपको क्या बिल्कुल स्वस्थ रहें ठीक है। मास्क लगा के रखना है और ये सारी चीजें जो है आपको जो बताई गई थी अब तक आपको पालन पालन की है नहीं रहना वो रहना है ठीक है। आप स्वस्थ रहें यही मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।